हेलो गाइस, तो आज की इस माइनक्राफ्ट की वीडियो में जब भी हमें पड़ेगा डैमेज हम एक तगड़े से सुपर हीरो बन जाएंगे, जैसे कि अपना फ्लैश जो कि कुछ ज्यादा तगड़ी स्पीड में भागता है। और हम हीरो ब्राइन भी बनने वाले हैं जो कि गायब होके घास को पागल बनाने वाला है, और इवन हम हल्क बन के तबाही भी मचाने वाले हैं। तो करते हैं शुरू, एंजॉय द वीडियो। वेल, स्पॉन होने के साथ मेरे को सामने बड़ी सी केव दिखी और दूर से ही ये ज़ॉम्बी भागता हुआ अपनी तरफ आ रहा था। मैं खुद से डैमेज ले लूंगा, इस ज़ॉम्बी से बिल्कुल नहीं लूंगा। और ये जगह कैसी, बिल्कुल घास फूस भरी हुई थी। अरे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम तो मैं यहाँ पे भूल ही गया, वुड तोड़ो, प्लैंक बनाओ, क्राफ्टिंग टेबल बनाओ, फाइनली यहाँ पे टूल्स तैयार है। यहाँ पे डैमेज लेने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? उस पहाड़ से कूद जाऊँ, लावा भी है वहाँ पे, या फिर पानी के अंदर भी जाके डैमेज ले सकता हूँ। और एक मिनट, यहाँ पे इतनी सारी चिकन क्यों घूम रही है? और ये मुझसे मत पूछना ये क्या है, अजीब सी चीज है कोई। चलो कोई नहीं, हम पुराने तरीके से डैमेज ले लेते हैं। सबसे पहले मेहनत करके ऊपर चढ़ो और सीधा नीचे कूद जाओ। ओहो हो, ये तो फ्लैश बन गए हम। और फ्लैश की आपको पावर पता ही है, कुछ ज्यादा स्पीड में भागता है, और इसके पीछे तो लाइट भी निकल रही है तगड़ी वाली एकदम। भाई क्या ही स्पीड है यार, ऐसे तो हम माइनक्राफ्ट को एक मिनट में खत्म कर देंगे। लेकिन इसकी हंगर बार भी कुछ ज्यादा ही जल्दी खत्म हो रही है, हमें थोड़ा सा खाना कलेक्ट करना पड़ेगा। और ये चिकन इतने ज्यादा घूम ही रही है तो इन्हीं को पेल लेते हैं। और चिकन कलेक्ट करते करते मेरे को एकदम तगड़ी सी पावर नजर आती है यहाँ पे, हम दीवार पे भी चढ़ सकते हैं, एपिक यार। और यहाँ से धीरे धीरे ही नीचे चल लेते हैं, डैमेज पड़ गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। फ्लैश मेरे को पसंद है। वेल, अब मेरे को चिकन कुक करनी थी तो मैं केव ढूंढने के लिए चला गया, और केव भी मेरे को एकदम एपिक वाली मिली। लेकिन ये माइनिंग तो अभी भी स्लो कर रहा है, फ्लैश बढ़ने का क्या ही फायदा हुआ। और लिटरली यार ये केव काफी ज्यादा बढ़िया है, कोल भी मेरे को यहाँ पे मिल गया, काफी सारी आयरन भी मिल गई। और आगे इस केव में तो मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहूंगा, खाना भी रेडी है एकदम। और मैं आपको एक बिल्कुल नई पावर दिखाता हूँ इस फ्लैश की। जैसे ही फ्लैश अपना हाथ हिलाता है तो मॉब्स भाई दूर भाग जाते हैं, जैसे कि इस चिकन को देख लो, हाथ घुमाओ मॉब्स भाग जाएंगे भाई। पावर्स है एकदम इसकी, भागने वाली तो सबसे ज्यादा एपिक लगती है। और ऐसी भागते भागते मैं पहुंच गया एक बहुत ज्यादा अजीब से विलेज में। और इस विलेज को मैं अजीब क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इनके घर बिल्कुल खाली पड़े थे, बेड भी नहीं थे इनके पास। और एक चेस्ट में तो भाई मेरे को बहुत ज्यादा ही तगड़ा सा सामान मिल गया, और बाकी सारे घर तो खाली पड़े थे। चलो हमें फिलहाल के लिए तो सिर्फ खाना चाहिए। और इन लोगों के पास आयरन गोलम भी नहीं है। वैसे फ्लैश की पावर देखो यार कितनी ज्यादा एपिक है। और एक और मस्ती पावर दिखाता हूँ मैं इसकी, देखो अभी मैं लीव्स के आर पार नहीं जा पा रहा, और ये देखो मैं ब्लॉक्स के आर पार भी जा सकता हूँ। एक काम करते नीचे हम थोड़ी सी खुदाई करते हैं, हाँ इतनी बहुत रहेगी, और सीधा ब्लॉक्स के आर पार ही चले जाओ, सारी केव्स हमें यहीं से दिख रही है। और इसी पावर के साथ मैंने काफी सारी आयरन ढूंढ ली, और इसको अब स्मेल्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसी पावर से हम डायमंड भी ढूंढने वाले हैं। और ये बन गया हमारा प्यारा सा पिकैक्स। और ये लो, बिना पावर यूज करे हमें यहाँ पर डायमंड मिल चुका है, काफी सारे डायमंड है यहाँ पे। इतने से अपना एक डायमंड का पिकैक्स और एक डायमंड की एक्स तो इजीली बन जाएगी। और तभी मैंने सोचा मेरे को वहाँ से निकल लेना चाहिए। और ऊपर आते के साथ ही सामने ज़ॉम्बी ने मेरे पे अटैक कर दिया। पहले मैंने उसे मारा और चेक करा तो मैं एक हीरो ब्राइन बन चुका था, आर्मर भी मैंने हटा के देखा और पूरा का पूरा हीरो ब्राइन मेरे सामने खड़ा था। और सामने देखो और भी यहाँ पे काफी सारे आयरन है, और आपने कभी भी हीरो ब्राइन को आयरन को माइनिंग करते हुए कभी नहीं देखा होगा, इसी चीज के लिए एक लाइक तो बनता है। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो भाई, सब्सक्राइब करो तो करना। और जैसे ही मैं बाहर आया यहाँ पे पूरी खतरनाक वाली बारिश हो रही थी, ऐसा लग रहा था ये हीरो ब्राइन की वजह से यहाँ पे बारिश हो रही है, पूरा एकदम शांति वाला माहौल था। दूर एक डेजर्ट बायोम तो थी, और उसी की साइड में एक बहुत ज्यादा अजीब सी बायोम थी, यहाँ पे भी काफी ज्यादा शांति थी, हर एक पेड़ में से लीव्स यहाँ पे हट रखी थी, ऐसा लग रहा था ये हीरो ब्राइन का घर है। और आपको तो पता ही होगा हीरो ब्राइन की क्या क्या पावर्स होती है, हीरो ब्राइन जब भी आता है यहाँ पे पेड़ की लीव्स हट जाती है, जो कि आप यहाँ पे देख ही सकते हो। और कभी कभी हीरो ब्राइन इनविजिबल भी हो जाता है, और जी हाँ मैं भी इनविजिबल हो सकता हूँ, आपको मैं नहीं दिख रहा हूँ ऑब्वियसली, मैं यहीं पे हूँ। और हीरो ब्राइन जब भी टॉर्च लगाता है तो रेड स्टोन की हो जाती है, और जी हाँ ये हमारे साथ भी हो रहा था। जैसे ही मैं अपनी नॉर्मल टॉर्च लगा रहा था यहाँ पे अपनी टॉर्च रेड स्टोन में कन्वर्ट हो जा रही थी। और भी यार काफी ज्यादा तगड़ी पावर्स होती है हीरो ब्राइन की, जब भी हीरो ब्राइन कहीं पे भी जाता है तो एक पिरामिड बना देता है, तो हमें भी यहाँ पे पिरामिड जरूर से बनाना चाहिए। मेरे पास काफी सारे ब्लॉक्स तो थे ही, इसलिए मैंने फटाफट से तगड़ा सा हीरो ब्राइन का एक पिरामिड बना दिया। अब हम एक असली में हीरो ब्राइन बन चुके हैं। चलो बहुत हो गई अपनी हीरो ब्राइन पंती, अभी हमें सीधे नेदर में जाना है, उस वार्डन को भी तो मारना है ना। और ये बायोम काफी ज्यादा सही है, और आगे जाके मेरे को एक काव दिखती है जिसको मैंने ब्लाइंडनेस दे दी, ये अंधी हो चुकी है, बस हमें नहीं पता चल रहा, इसको मैं बिना टच कवर के भी मार सकता हूँ, और ये ब्लेजेस को मारने में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, इसलिए चलते हैं फटाफट से। और थोड़ा थोड़ा आराम आराम से भी चलना चाहिए हमें, हीरो ब्राइन के पास तो टेलीपोर्ट वाली पावर्स होती है ना, ट्राई करते हैं वहाँ पे टेलीपोर्ट होने का। वाह एपिक, बट ये डरावनी सी आवाज किस लिए आ रही है, एंड वहाँ पे सामने भी एक बार टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और ये देखो सामने तो लावा भी दिख चुकी है। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, हम बकेट बना लेते हैं और इसमें हम पानी भर देते हैं खूब सारा। और हाँ, आज हमें ड्रीम बनने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास डायमंड की पिकैक्स है, तो सीधा पानी डालो और इसको माइनिंग करने लग जाओ। और इसमें कुछ ज्यादा ही टाइम लग रहा है यार, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए था। तो 2 घंटे बाद मेरे को ऑब्सीडियन मिल चुके हैं, और आयरन भी हमारी स्मेल्ट हो चुकी है, और अब बस हमें इस
डेजर्ट में कहीं ना कहीं फ्लिंट ढूंढना है। फ्लिंट का पता नहीं, वहाँ पे डेजर्ट टेम्पल जरूर दिख रहा है और यहाँ पे साइड में पानी, इसमें ग्रेवल तो मिल ही जाएगा। और फाइनली हमें फ्लिंट मिल चुकी है। पहले हम इस डेजर्ट टेम्पल को एक्सप्लोर करके आते हैं और थोड़ा भाई आराम आराम से चलना पड़ेगा। और नीचे इतनी माइनिंग क्यों करनी, सीधा टेलीपोर्ट कर लेते ना। उप्स, और उस टाइम भाई मैं बच ही गया था, सिर्फ एकदम हीरो ब्रेन वाला क्लच मारा। नीचे तो भाई सब कुछ यहाँ पे फूट चुका था। चलो कोई ना, फाइनली अपना पोर्टल बनाते हैं और सीधा चलते हैं नेदर के अंदर। अब हीरो ब्रेन बन के मैं नेदर के अंदर तो आ चुका था, बट यहाँ पे कुछ ज्यादा ही खतरे हैं, इसलिए टेलीपोर्ट होकर आराम से चलते हैं यहाँ से। नेदर जगह ही ऐसी है, हीरो ब्रेन भी डर जाता है यहाँ पे। बट कोई ना, इसकी पावर कुछ ज्यादा ही एपिक है। जैसे कि वहाँ पे आपको घास दिख रहा होगा, सिंपल यहाँ पे मैं इनविजिबल हो जाता हूँ, कुछ उसे पता ही नहीं चलेगा तो मारेगा कैसे। वैसे मैं नेदर के अंदर गोल्ड आर्मर की कोई जरूरत नहीं है, काफी सारा गोल्ड पड़ा हुआ है और बूट्स तो इससे बन गए इजिली। और ये देखो हॉगलिन को, इसे कुछ पता ही नहीं चल रहा मैं इसके साइड में खड़ा हुआ हूँ। और ऐसे ही इनविजिबल बन के मैं गोल्ड की माइनिंग कर रहा था और एक पिगलिन मेरे पीछे पड़ गया और उसने खींच के डैमेज दिया। अब मैं कुछ तो सुपर हीरो यहाँ पे बन चुका था, इनविजिबिलिटी हटने के बाद ही पता चलेगा वो तो। इन हाथों को देख के तो आपको पता चल ही चुका होगा, जी हाँ मैं हल्क बन चुका था अभी, बड़ा सा तगड़ा सा विशाल सा हल्क। पहले इसको खाना खिला देते, बेचारा भूखा है। एंड अब इसकी पावर को मैं टेस्ट करना चाहूंगा। एंडरमैन को मैंने एक ही बार में मार दिया, ये देखो कितना ज्यादा इजिली मर रहा है, मुझे डैमेज तक नहीं पहुंचा पा रहा। और एक बार जरा हल्क की एबिलिटी तो देखो, बड़ा सा धमाका कर देता ये, किसी भी मॉब को इजिली पेल सकते हैं। निकल यहाँ से, तू भी निकल ले, इतना इजी हो गया भाई सब कुछ हल बन के। अभी चलते हम सीधा फोर्ट्रेस ढूंढने, ब्लेजेस को भी इसी तरह से पेल देंगे, इतनी सारी एबिलिटीज जो है हमारे पास। तो फिर मैं उछलता कूदता फोर्ट्रेस ढूंढने चला गया और रास्ते में काफी सारे एंडरमैन को भी निपटाया, बट किसी ने भी मेरे को पढ़ नहीं दी। क्या ही फायदा यार इस पावर का, इवन हल्क फायर में भी नहीं चलता, लावा में भी कुछ भी नहीं होता इसे। जब तक ये ऊपर वाला बार फुल रहेगा ना, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखो फोर्ट्रेस तो सामने ही है, जब से मैं यहीं पे घूम रहा था इतनी देर से। और अंदर जाते ही भाई लूट तो एकदम एपिक मिली, लेकिन कहीं पे ब्लेजेस मेरे को दिख ही नहीं रहे थे। एंडरमैन यहाँ पे काफी सारे भरे हुए हैं, एक एंडरमैन ने तो मेरे को पल भी दे दी। और फिर शुरुआत हुई मेरी लड़ाई ब्लेजेस के साथ, और इवन मेरे को एक स्पॉनर भी मिल गया था, सिर्फ एक ही घुसण में ब्लेज खत्म। और ब्लेज रॉड भी मेरे को काफी ज्यादा इजीली मिल रही थी, सारा काम इजी कर दिया इस हल्क ने। और इसी के साथ मैंने एक और स्पॉनर भी ढूंढ लिया और फिर और ज्यादा ब्लेजेस को मैंने मारना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे काफी सारी यहाँ पे ब्लेज रॉड कलेक्ट हो चुकी थी, और ये आखिरी वाली भी ले लेते हैं। एंड अभी हमें इसी तरीके से उन एंडरमैन को भी जाके पेलना है। तो सबसे पहले तो मैं इसे मार दो, पेड़ पे चढ़ के बैठा है, और इस वाले को कुछ ज्यादा जल्दी मची है, सीधा पहुंचा दिया। इस वाले बायो में भाई कुछ ज्यादा ही एंडरमैन मिल रहे थे, कुछ मेरे पे अटैक कर रहे थे, उनको भी मैंने पेल दिया, कुछ यहाँ पे मस्त अपना घूम रहे थे, सबको पेल दिया भाई मैंने। और इनसे मेरे को 15 पल्स मिल चुके थे, जो कि मेरी सबसे काफी होनी चाहिए, इसीलिए अभी उछलते कूदते वापस चलते भाई पोर्टल की तरफ। और रस्ते में मुझे वही पिक्स दिख गए जिन्होंने मुझे पहले मारा था, तो इनको भी पेलते हुए चलते हैं। और एक बार मैं आपको हल्की पावर का अंदाजा दिलाता हूँ वापस से, तो आपको सारे सामने पिक्स दिख रहे होंगे ना, सबसे पहले जिसको पेलते हैं, और सारे पिक्स हमारे पीछे पड़ चुके हैं और इनको हमारा हल्क इजिली पेल रहा है। कुछ टाइम पहले ये जगह कुछ ऐसे दिख रही थी और अभी एकदम खाली हो चुकी है, और अपने हल्क को वापस से भूख भी लग चुकी है। तो अभी हम वापस चलते हैं, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर लिया। और वापस जाते जाते मेरी एड्रेनलिन पावर से एकदम खत्म होने वाली थी, इन मॉब से भी अब पंगा नहीं ले सकते। और पोर्टल के पास आते आते मेरी सारी पावर यहाँ पे खत्म हो चुकी थी और मैं माइकल बन गया यहाँ पे, जी हाँ GTA 5 वाला माइकल। नेदर से बाहर आते सबसे पहले मैंने देखा भाई माइकल के पास गन भी है, वो भी कुछ ज्यादा ही बढ़िया लग रही है। और इवन यहाँ पे तगड़ी सी बाइक खड़ी है, वो भी मेरे फेवरेट रेड कलर की। और ये देखो जरा हमारे पास इवन फोन भी है, जिसमें मैप देख सकते हैं, म्यूजिक भी सुन सकते हैं और गेम भी खेल सकते हैं, एकदम एपिक चीज। लिटरली भाई GTA 5 वाला माइकल बन चुके थे हम। तो अभी हम क्यों टाइम वेस्ट करते हैं, थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने एंड्राई बनाई, एक चेस्ट प्लेट भी मैंने यहाँ पे बना ली, और एंड्राई मैंने फेंकी तो उस तरफ जा रही थी। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि मैं बाइक लेकर जाऊँ या गाड़ी लेके जाऊँ। गाड़ी यार मेरे को दिखने में ज्यादा बढ़िया लग रही थी, यही ले चलते हैं। और थोड़ी देर आने के बाद मेरे को एहसास हुआ कि मेरे को बाइक लेके आ जानी चाहिए थी, बाइक ही सबसे ज्यादा बढ़िया है, देख लो कितनी ज्यादा बढ़िया लग रही है। और इवन यहाँ पे सामने एक विलेज भी है, फिर से मैंने एक आई फेंकी तो वो भी तरफ जा रही थी। और फाइनली एक सपाट जमीन मैंने खोदना शुरू करा और यहाँ पे हमें अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड दिख चुका था, और स्ट्रॉन्ग होल्ड वाले मॉब्स को तो मैंने इजीली किल कर ही दिया था, और इजीली हमें एंड फ्रेम भी दिख चुकी थी। सबसे पहले तो इसको तोड़ते हैं, हमारी गन रिलोड हो चुकी है, हमारे पास तगड़ा सा आर्मर भी है, चलते हैं सीधा वार्डन से फाइट करने। एंड डायमेंशन में जाते भाई यहाँ पे ड्रैगन ही नहीं था, पूरा सुनसान पड़ा हुआ था। पास जाने पे ये तीन वार्डन भी उड़ रहे थे जिनको हमें मारना है, और इवन यहाँ पे ये खतरनाक वाले ज़ॉम्बीज भी घूम रहे जो कि मेरे पीछे ही पड़ चुके थे। बट हमारे पास भी ये तगड़ी सी बड़ी सी गन है, तो इससे मैंने कर दिया। अब वार्डन को मारने से पहले ये क्रिस्टल भी हमें फोड़ने पड़ेंगे, जो कि हम अपनी स्नाइपर से इजीली फोड़ सकते हैं। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये ज़ॉम्बीज कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहे थे। फिर से हम करते हैं, और ऐसे ही शूट करते करते मैंने एक वार्डन को भी यहाँ पे खत्म कर दिया। एंड फिर ऊपर जाके मैंने सारे क्रिस्टल भी फोड़ दिए, और फिर मैं नीचे आया और ये ज़ॉम्बीज की यहाँ पे बारात लगी हुई थी, तो हमें फिर से करना पड़ेगा।
और इस बार तो ये सीधा वार्डन मेरे ही पीछे पड़ गया। और अब बारी थी इस आखिरी वाले वार्डन को मारने की। उसको भी मैंने खतरनाक से गोलियां मारी और खत्म कर दिया। और ये ज़ॉम्बीज भाई अभी तक बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। तो फाइनली हमने यार वार्डन को यहाँ पे खत्म कर दिया है। बाकी आपको ये वाली वीडियो बढ़िया लगी तो यार लाइक कर देना। एंड शाउट आउट टू एडिटो 411 फॉर फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम। अगर आपको भी शाउट आउट चाहिए तो आपको पता है ना क्या करना है।